यहाँ पे चावल फ्राई में बाल में यहाँ पे हो रही है। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे अरे रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। 7 बजने वाले हैं, 7:30 बजे तक इन लोगों को जाना है। तो अभी इसका बाल बनाना है और कुछ नाश्ता देना है, चलिए बने रहिए। यहाँ पे चावल फ्राई बन रहा है, खा के जाएंगे बच्चे चावल फ्राई। थोड़ा सा नमक चिखोगी? सो गाइस, आर्या का नाश्ता बन गया है। आरवन नंगा पुंगा है, नहा के आया है और आर्या का पायल गिर गया था तो वही ढूंढने गई थी। निकी कोई आम बात नहीं है, हमको दुकान में रखना है और अंकल चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाएंगे जब वो लेट होते तब? नहीं जल्दी करो, मैं बाल बांध देती हूँ पहले। लेकिन बहुत चिल्लाएगी वो, बस कर दो। पायल दान से कस करना पड़ेगा, कद्दू कस से कस करना पड़ेगा। किससे? कद्दू कस। चलिए जल्दी से, पहले अरे का पायल कस दूं नहीं तो गिर जाएगा फिर से। अभी तो घर में गिरा है, बाद में स्कूल में गिर जाएगा तो मिलेगा नहीं। कल अरे ने एक पायल वैसे भी तोड़ दिया था। तोड़ा है तो खुद से टूटा था। तो खुद से टूटा, टूट गया ना, तुम पहनी थी ना और मिल गए, सोचो मिला। अच्छा चलो, तो मिल गया ना तो उसी को मिलना बोलो, मम्मी को थैंक यू बोलो। तो चलिए बने रहिए। जैसे इस साइड बैठी हो वैसे उस साइड बैठना। रूसी हो रहा है क्या तुम्हारे बाल में? तो बाल नहीं साफ करोगी तो पता है। संडे को मैं बाल धोई थी, तो संडे को धोई थी ना, बीच में भी धो लिया करो बाल। जैसे ट्यूसडे को बाल गंदा रहता है, फ्राइडे को बाल नहीं धोते हैं। आपे तो बोलती थी। नहीं बोलती थी, कब बोलती थी? चप्पल मारूंगी मेरे से। हम खुद ही आज तक नहीं धोई कब बाल, अब तो ही हम बता दिया। वाह, इतवार मंगल छोड़ कब हम बाल धोबे नहीं करे, यानी हम बता दिए तू शुक्रवार की बाल धोवा कर। और कम बोला कर रच के। सुबह दिमाग खराब कर देती है। हाँ, हर हर महादेव। सो गाइस, इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और मेरा जो भी ड्रिंक नाश्ता पानी होता है वो सब हो गया है। मैं बैठी हूँ, आर्या का वेट कर रही हूँ। अभी आर्या को बुलाऊंगी ना तो फिर चिल्लाएगी। बैठ के बस चिल्ला ही रही हूँ मैं कि क्या आके बोल रहे, बस बस यही करना। मैं बोली हाँ, तो यही है, चलता रहेगा। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, आज थोड़ा दर्द को आराम है। जहाँ से सिजेरियन हुआ था वो बहुत ज़्यादा आराम है आज तो। तो देखो चेहरे पे लाइट भी लग रही है, सब बोल रहे हैं कि आवाज़ में भी टनाका है और चेहरे पे भी लाइट है। तो चलिए बने रहिए। वॉकिंग सोच रही थी जाने के लिए लेकिन नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा चलने से ना दर्द हो रहा है। अभी मुझे 4-5 दिन नहीं हुआ कि चलना फिरना मेरा स्टार्ट हो गया है। घर में बैठे बैठे भी बोर हो रही हूँ। पतिदेव आएंगे तो बोलूँगी थोड़ा सा घुमा दो। बोलेंगे तबीयत नहीं सही है, घूमने के लिए परेशान है। कल लेके गए थे हॉस्पिटल, लेके जा रहे थे, मैं बोली थोड़ा सा इधर ही घुमा दो, बोले अभी नहीं, अभी डॉक्टर से पूछ लूँगा। तब क्या है ना, कहीं कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ रहता है ना तो उस पर लगने का चांस रहता है, तो इसलिए बस मैं बोल देती हूँ। मुझे पता है नहीं घुमाएंगे लेकिन मैं बोल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको चिढ़ाना, तो इसलिए चलिए बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे हो रही है मेरी सेवा,
चंपी नहीं, बाल बनवा रही हूँ मैं। बोली आर्या से थोड़ा सा बाल बांध लो मेरा, तेल अभी लगा रही हो आराम से। मेरा ना बहुत दुखता है और मेरा सर ना बहुत ज़्यादा मुलायम है, मतलब जैसे कि ऐसे गुज 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 करता है छूने पे, इसलिए जल्दी कोई मेरा सर छूता नहीं, जल्दी कोई मेरा बाल नहीं बांधता और मैं जल्दी बनवाती भी नहीं किसी से, क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बेटा ऐसे मत करना, मैं मुंडी टूटी जाए, देखा था मुंडी कितना दवाई चलाता है। दूसरा कंघी ले ले बेटी, ये कंघी बहुत पिराता है। अच्छा ये झूठा आगे कर दो मेरा। मैं बोली आर्या से थोड़ा सा बाल मेरा अच्छे से कर दो, जो भूत जैसी मैं दिख रही हूँ इतने दिन से, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अरे खुश हो कौन बोला भूत जैसे लग रही हो? आ रहा मैं आपको बेटा हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जो मेरा बेटा हो भाई, वो मेरा बेटा है, वो कभी मुझे नहीं बोलेगा, बोलता भी नहीं। और यही है। अरे 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 दुखाई दी मम्मा जी, इतना रोई की हंसी समझ में नहीं आ रहा। डर करो कैसे? अरे बाल बांध देगी तो मैं भी थोड़ी इंसान दिखने लगूंगी। उससे भी आज मोटी वाली कंघी कहाँ यार है, मोटी वाली कंघी छारो यार। रेड वाले से टूट गई, पिंक वाला नहीं पता मुझे। पिंक वाला खोजो यार, खोज लूंगा। अरे खोज के दो बाद में, अभी अभी काम है। देख रहे हो बाल झाड़ने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। जितनी देर में ढूंढूंगा ना उतनी देर में तो आपको हो जाएगा। अरे ढूंढो तो सही पहले। तो गाइस यही आज का ब्लॉग। आज बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। पतिदेव ने यहाँ से ना दही नटाई जी भेजा था गांव में, जो मेरी नन्ना देवी की शादी के लिए, और चाची का फोन आया था कि दो ही पहुंचा। वही अभी कॉल करी थी पतिदेव को, बोले कि दो ही पहुंचा है। तो देखो बोले देखता हूँ, समझ में नहीं आया बीच में कोई निकाल लिया क्या। देखेंगे क्या है कैसे है। और यहाँ पे आ रहे बाल बांधने में बहुत बिजी है। तो यही आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप आपके फैमिली में जो जिसको हमारा ब्लॉग पसंद होगा उसको शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।